नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंसाइनमेंट के लॉसेस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं आपको फॉर्मूलाज और उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कंसाइनमेंट का बेसिक क्या चीज है, कंसाइनमेंट उसके ऊपर या कंसाइनमेंट के जो कमीशन होती है उसके ऊपर मैं पहले ही दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको कंसाइनमेंट के कॉन्सेप्ट या उसके कमीशन के बारे में जानना है तो। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के वीडियो में मैं केवल कंसाइनमेंट में होने वाले लॉसेस के बारे में चर्चा करूंगा। तो अगर कंसाइनमेंट में होने वाले लॉसेस के बारे में आपको अच्छे से समझना है तो मेरी बातों को आप प्लीज ध्यान से सुनिए, आपको 100% बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे और उसके अंदर नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस या कमीशन के बारे में कुछ भी पॉइंट होगा तो आप उसको अच्छे से समझ कर सॉल्व कर पाएंगे। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंसाइनमेंट में जो लॉस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस हिंदी में बोला जाता है। नॉर्मल लॉस को सामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस को असामान्य हानि बोला जाता है। नॉर्मल लॉस जो होता है वो गुड्स की स्वभाव, उसकी प्रकृति की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर कोई ट्रक गैस का जा रहा है तो उसमें से कुछ गैस के लीक होने की उसकी प्रकृति होती है। वैसे के वैसे अगर कुछ गुड्स ऐसा है जिसका वजन ऊपर नीचे होता रहता है तो उसकी भी प्रकृति ऐसी है कि वो सूखने की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत वजन में ऊपर नीचे हो जाए। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कांच के कुछ सामान का। अगर कांच का सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रक के अंदर लोड होके जा रहा है तो उसमें कुछ टूट फूट होना उसका स्वभाव है। तो ऐसा अगर कोई लॉस होता है तो उसको नॉर्मल लॉस बोला जाएगा, सामान्य हानि बोली जाएगी। तो इस नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक होता है एबनॉर्मल लॉस, यानी कि असामान्य हानि। यह उस माल की प्रकृति नहीं है, यह लापरवाही की वजह से लॉस होता है। यह लापरवाही कंसाइनर की हो सकती है, कंसाइनी की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक्सीडेंट की वजह से कुछ नुकसान हो जाए या आग लगने की वजह से कुछ नुकसान हो जाए या गुड्स के ऊपर सही से केयर नहीं करने की वजह से वह खराब हो जाए तो ऐसा लॉस एबनॉर्मल लॉस आता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दे रखा होगा, आपको पहचानना है अगर नॉर्मल लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। वैसे मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको पूरा डिटेल में कि नॉर्मल लॉस होता है अगर दो लॉस होते हैं, यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बता देता हूं कि अगर नॉर्मल लॉस हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के अंदर सीधा आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। नॉर्मल लॉस को कहीं भी दिखाना नहीं होता है, बस नॉर्मल लॉस की वजह से गुड्स की जो कॉस्ट है वह इंक्रीज हो जाती है। जो अभी मैंने लाइन बोली है हो सकता है आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन आप अगर ये मेरा फॉर्मूला जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझने के बाद में आपको मेरी कही हुई लाइन समझ में आ जाएगी। नॉर्मल लॉस का कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, केवल अनसोल्ड स्टॉक का जब वैल्यूएशन करते हैं तो वहां पर नॉर्मल लॉस का इफेक्ट देना होता है। अब ये अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है और इसका वैल्यूएशन क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। कंसाइनर जब गुड्स कंसाइनी को भेज देता है और कंसाइनी उस गुड्स में से आगे कुछ सेल कर देता है और जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है उनका, तब वह कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। कंसाइनर यह कैलकुलेट करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कंसाइनर ने 200 साइकिल्स कंसाइनी को भेज दी, कंसाइनी ने उसमें से 180 साइकिल जो है वो मार्केट में सेल कर दी तो पीछे कितनी साइकिल बच गई, 20। तो 20 साइकिल जो है वो अनसोल्ड स्टॉक है, बिना बिका हुआ गुड्स या माल जो अभी तक बेचा गया नहीं है। तो अकाउंटिंग ईयर एंड होने पर अनसोल्ड स्टॉक का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उसके कैलकुलेशन करने का सिंपल सा जो मेथड है वो ये आपके सामने है। तो यहां पर मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसके अंदर सबसे पहले लिखना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय या सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में भेजे गए गुड्स की कॉस्ट सबसे पहले आपको यहां लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉस्ट मान लेता हूं कि 200 साइकिल्स है,
200 साइकिल हैं और एक साइकिल है फॉर एग्जांपल 3000 रुपए की, तो यहां पर आपके हो गए ये 60000 रुपए, 6 लाख रुपए यहां पर हो गए आपके 6 लाख रुपए। 200 साइकिल है, एक साइकिल की जो कॉस्ट है वो 3000 रुपए है, तो टोटल यहां पर कॉस्ट हो गई भेजी गई साइकिलों की 6 लाख रुपए। इसके अंदर ऐड करने होते हैं आपको कंसाइनर, कंसाइनर के एक्सपेंडिचर ऐड करने होते हैं, कंसाइनर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आप यहां पर ऐड कर दीजिए। कंसाइनर जब गुड्स को कंसाइनी को सेंड करता है तो उसके बीच के रास्ते के भाड़ा वगैरह इंश्योरेंस वगैरह का जो खर्चा होता है वो ऐड करना होता है। मान लेते हैं वह खर्चा जो है वो हुआ उसके 20,000 टोटल मिला के। फिर इसके अंदर आपको ऐड करना होता है कंसाइनी एक्सपेंडिचर, कंसाइनी के एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस वही ऐड होंगे जो उसको गुड्स वो छुड़वाकर अपने गोडाउन तक लाएगा वहां तक के खर्चे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कंसाइनी के खर्चे जोड़ते टाइम प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहां पर कंसाइनी के जैसे सेलिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो नहीं लिए जाते, उसका इंश्योरेंस जो गोडाउन का होता है वो भी यहां पर नहीं लिया जाएगा। केवल कंसाइनी जब उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास से छुड़वाने जाएगा, कंसाइनर भेजेगा ट्रांसपोर्ट कंपनी से, ट्रांसपोर्ट कंपनी से कंसाइनी गुड्स छुड़वाकर अपने गोडाउन में ले जाएगा, तो गोडाउन तक लाने के खर्चे ही लेने हैं। गोडाउन में लाने के बाद में कोई भी एक्सपेंडिचर होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहां पर मान लेते कंसाइनी के केवल भाड़े वगैरह के खर्चे हो गए यहां पर 30,000, तो टोटल यहां पर जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 6,50,000 रुपए, ये हो गई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल के लिए नॉर्मल लॉस आपको दे रखा है 20 साइकिल, 20 ज्यादा हो जाएगा, 10 साइकिल ले लेते हैं, 10 साइकिल का जो है यहां पर लॉस कर देते हैं। नॉर्मल लॉस है तो कम ही होगा, 5 साइकिल का लॉस कर देते हैं नॉर्मल, 5 साइकिल का क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि नॉर्मल लॉस हो गया आपको। तो यहां पर लास्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की, तो नॉर्मल लॉस का क्या इफेक्ट देना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर बता दूं इसका फॉर्मूला, ऊपर लेना आपको टोटल कॉस्ट, नीचे टोटल यूनिट या क्वांटिटी या जो भी है वो माइनस कर देंगे उसमें नॉर्मल लॉस की यूनिट, नॉर्मल लॉस की यूनिट इसमें से माइनस कर देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यूनिट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये फॉर्मूला है। तो आप यहां पर देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है 6,50,000 रुपए, 6,50,000 रुपए, 6,50,000 इसकी टोटल कॉस्ट है। टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट ये रही, मैंने एग्जांपल लिया था 200 साइकिल का, तो 200 साइकिल जो है वो इसकी टोटल कॉस्ट है। नॉर्मल लॉस कितना है इसके अंदर, नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है, नॉर्मल लॉस की यूनिट है 5, तो इसमें से 5 लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, सबसे पहले टोटल साइकिलें कितनी थी 200, ये थी टोटल, उसमें से सेल कितनी कर दी, उसमें से सेल कर दी मान लेते हैं 180, तो पीछे कितनी बच गई 20 साइकिल, तो 20 साइकिल जो है वो अनसोल्ड स्टॉक की अभी यूनिट नहीं आई है क्योंकि 20 में से 5 साइकिल का तो नॉर्मल लॉस हो गया, तो अब कितनी साइकिल बच गई 15, तो यहां पर अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट जो आएगी वो आएगी 15। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा अनसोल्ड स्टॉक, तो 6,50,000 डिवाइड बाय 195 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ गया आपका 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए जो आया है ये आया है अनसोल्ड स्टॉक। तो कहने का मतलब ये है अगर नॉर्मल लॉस होता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर तो इसको अलग से कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका इफेक्ट केवल एक जगह आएगा और वो जगह जो है वो आपके सामने है, यहां पर अनसोल्ड स्टॉक निकालते टाइम ही इसका इफेक्ट आएगा। अनसोल्ड स्टॉक निकालते टाइम कहां इफेक्ट आएगा, तो टोटल उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट, तो टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस की जो यूनिट है उसको लेस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक से, तो आपका अनसोल्ड
स्टॉक आ जाएगा। तो अनसोल्ड स्टॉक के अलावा इसका और कहीं भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये तो था नॉर्मल लॉस का जो फॉर्मूला है, वो नॉर्मल लॉस का इफेक्ट कहाँ देना है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। इसके अलावा अब बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो नॉर्मल ही होता है, इसलिए उसका थोड़ा अलग है। अब एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो खुद, वैसे तो लॉस दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो है यानी कि असामान्य हानि जो है वो खुद दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मार्ग में यानी कि लॉस इन ट्रांजिट, दो तरह की होती है, एक तो होती है लॉस इन ट्रांजिट और एक होती है लॉस इन गोडाउन। किसके गोडाउन में? कंसाइनी के गोडाउन में, जब गुड्स पहुंच जाता है उसके बाद। एक तो रास्ते में मार्ग में हानि, इसको बोलेंगे मार्ग में हानि। जब कंसाइनर गुड्स सेंड करता है तो मार्ग में अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ आग वगैरह लग जाए, कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने से पहले जो हानि होती है उसको मार्ग में हानि बोला जाता है। एक होती है लॉस इन गोडाउन, कंसाइनी के गोडाउन में माल पहुंचने के बाद, तो यहां होता है गोदाम में हानि। अब एबनॉर्मल लॉस जो है इसका इफेक्ट दो जगह देना होता है, जैसे नॉर्मल लॉस का इफेक्ट केवल एक जगह देना होता है अनसोल्ड स्टॉक निकालते समय, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट दो जगह आएगा। एक आएगा ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर और उसके बाद कंसाइनर की बुक्स के अंदर, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस आएगा और एबनॉर्मल लॉस का अलग से अकाउंट भी बनता है। तो एक तो ये होगा और दूसरा जब अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे तो उस टाइम भी इसका इफेक्ट देना होता है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस इन ट्रांजिट की। तो अब आपको अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला पता चल गया है कि कैसे निकालते हैं, तो उसके अंदर ही लॉस इन ट्रांजिट का क्या ट्रीटमेंट होगा मैं आपको वो बताता हूँ। वैसे लॉस इन ट्रांजिट में आप समझ लीजिए अभी तक गुड्स कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा है, कंसाइनर ने सेंड कर दिया लेकिन कंसाइनी के पास अभी तक गुड्स नहीं गया है, तो यहां पर एक चीज होगी कि कंसाइनी ने टोटल गुड्स पर अभी तक कोई भी खर्चा नहीं किया है। तो लॉस इन ट्रांजिट जो निकलेगा वो कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने से पहले ही निकलेगा। तो यहां पर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वही वापस मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 200 साइकल्स, एक साइकिल 3000 रुपए की, टोटल हो गए 6,00,000 रुपए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंडिचर, कंसाइनर यानी कि माल गुड्स का जो ओनर है उसके एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस जैसे एग्जांपल के लिए 20,000 लिए थे वही, लेकिन ऐड यहां पर कंसाइनी एक्सपेंस नहीं करेंगे अभी पहले, क्यों? क्योंकि अभी जो लॉस है वो ट्रांजिट में ही हो गया है, कंसाइनी की बारी आने से पहले ही लॉस हो गया है, कंसाइनी के पास अभी तक गुड्स पहुंचा नहीं है। तो ये जो ऐड करते थे कंसाइनी एक्सपेंडिचर, ये अभी पहले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह उसके पास गुड्स पहुंचने से पहले ही लॉस हो चुका है, तो पहले लॉस का ट्रीटमेंट होगा उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंडिचर ऐड होंगे। तो लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको टोटल कर दो, तो यह आ गया टोटल कॉस्ट, आ गई इसकी ग्रॉस कॉस्ट बोल सकते हैं इसको, एग्जाम्पल के लिए 6,20,000 टोटल कॉस्ट तो तब आएगी जब कंसाइनी के एक्सपेंडिचर भी ऐड हो जाएंगे तब, लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंडिचर अभी तक हुए नहीं है क्योंकि उसके पास गुड्स अभी तक पहुंचा ही नहीं है, पहले लॉस होगा फिर उसके बाद गुड्स उस तक पहुंचेगा। तो यहां पर लेस करेंगे इसमें से लॉस इन ट्रांजिट, यानी कि रस्ते में जो लॉस हुआ उसको लेस कर देंगे। अब लॉस इन ट्रांजिट को निकालने का फॉर्मूला, ये जो ग्रॉस कॉस्ट आई है उसको ले लो, फिर टोटल यूनिट को ले लो और फिर जो लॉस इन ट्रांजिट हुआ है उसकी यूनिट को ले लो। तो यूनिट्स ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब रस्ते में।
अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वही अपना पुराना वाला एग्जांपल लेंगे, टोटल 200 साइकिल है और लॉस हो गया 20 साइकिल का, 20 साइकिल का लॉस हो गया जबकि टोटल साइकिल सेंड कितनी करी थी 200, तो कंसाइनी के पास 180 ही पहुंचेगी, तो उसके लिए ही 20 यूनिट इसमें से पहले ही अपन उसका लॉस लेस कर देंगे। तो यहां पर देखिए ग्रॉस कॉस्ट कितनी आई है 6,20,000, टोटल यूनिट कितनी है 200, यूनिट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, यूनिट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट कितना है ये रहा 20 यूनिट जो है वो लॉस इन ट्रांजिट हुआ है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो यह आपका निकल के आ जाएगा लॉस इन ट्रांजिट कितना 20,000 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यह आ जाएगा 62,000 रुपए, 62,000 रुपीज का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में एक्सीडेंट की वजह से 20 साइकिल जो है वह जो खराब हो गई या स्क्रैप के रूप में तब्दील हो गई वो, तो यहां पर 6,20,000 माइनस कर देंगे 62,000, तो यहां पर आ जाएंगे 5,58,000 रुपए। तो टोटल कंसाइनी के पास जो गुड्स पहुंचेगा वो 5,58,000 रुपए का पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 62,000 रुपए का तो नुकसान रास्ते में हो गया, कंसाइनी के पास 20 साइकिलें पहुंची नहीं, तो उसका लॉस लेस कर देंगे। अब करेंगे ऐड कंसाइनी के खर्चे, अब ऐड करेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस, वो वही मान रहा हूं जो पिछले एग्जाम्पल में माने थे मैंने, वो थे टोटल 30,000 रुपए। तो अब आएगी आपके सामने टोटल कॉस्ट, तो 5,58 और प्लस कर देंगे इसमें 30,000, तो ये आ जाएगा 5,88,000 रुपए, 5,88,000 रुपीज टोटल कॉस्ट आएगी। तो एक तो यहां पर दिया इसका इफेक्ट किसका, लॉस इन ट्रांजिट का यानी कि एबनॉर्मल लॉस का, एक निकलेगा अनसोल्ड स्टॉक निकालते टाइम, तो अनसोल्ड स्टॉक पे इसका क्या इफेक्ट देना है वो आप देखिए, इसका फॉर्मूला होगा फिर टोटल कॉस्ट और माइनस कर देंगे इसमें डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट का और लेस कर देंगे एबनॉर्मल या लॉस इन ट्रांजिट, जो लॉस इन ट्रांजिट है उसकी यूनिट वो टोटल यूनिट में से लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो यहां पे देखिए टोटल 200 भेजी थी, सेंड करी थी कंसाइनर ने साइकिलें, उसमें से मान लेते हैं इस बार 150 जो है वो सेल हो गई, बिक्री हो गई, तो पीछे कितनी बची 50, उसमें से लॉस कितना हो गया 20 का, तो अनसोल्ड स्टॉक कितना बच गया 30, अनसोल्ड स्टॉक हो गया 30। वापस देख लीजिए टोटल 200 साइकिलें भेजी गई थी, 150 साइकिलें कंसाइनी ने आगे सेल कर दी, बेच दी, तो पीछे अनसोल्ड स्टॉक बचा था 50, लेकिन 20 तो रास्ते में ही खराब हो गया था, तो उसके पास टोटल पहुंचा ही 30। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 200 साइकिलें जो है कंसाइनर ने भेजी कंसाइनी को, रास्ते के अंदर 20 साइकिलें तो खराब हो गई, तो कंसाइनी के पास पहुंची कितनी 180, उसमें से कंसाइनी ने सेल कर दी 150, तो पीछे कितनी बच गई 30, तो 300 साइकिलें जो बची है वो अनसोल्ड स्टॉक है। तो यहां पर देखिए टोटल कॉस्ट आ रही है अपने 5,88,000, टोटल यूनिट अपने पास है 200, उसमें से लॉस इन ट्रांजिट हो गया 20, वो लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वो अभी निकाली 30। ये डेटा सारा क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा, बस आपको वहां से लेना है और ये फॉर्मूला पुटअप करना है तो आपके सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो लॉस होगा अनसोल्ड स्टॉक होगा वो इसका आंसर आ जाएगा 98,000 रुपीज। तो ये होगा अनसोल्ड स्टॉक लॉस इन ट्रांजिट के केस में। अब बता रहा हूं मैं आपको अनसोल्ड स्टॉक, या आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहां पर अब बात करेंगे अगर लॉस हो जाए कंसाइनी के गोडाउन के अंदर, तो गोडाउन की बात करेंगे अब यहां पर, अगर गोडाउन में लॉस होता है तो उसका क्या करना है। तो सबसे पहले वही एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल जो साइकल्स कंसाइनी ने भेजी वो 200, टोटल कंसाइनी के पास रिसीव भी कितनी हो गई, कंसाइनी ने रिसीव भी कर दी 200, लेकिन उसके गोडाउन में लॉस हो गया, उसके गोडाउन में पहुंचने के बाद जो लॉस हुआ गोडाउन के अंदर वो हो गया 20 यूनिट्स का, और जो सेल हुई है वो हुई है 150 की। अब यहां पर गोडाउन में लॉस हुआ है, ट्रांजिट में नहीं हुआ है, तो कंसाइनी को गुड्स मिलने के बाद लॉस हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत हिंदी में बोलेंगे इसको। वो आ गया अपना वही 200 साइकिलें 3000 रुपीज की पर साइकिल, तो टोटल हो गया 6 लाख रुपए। अब यहां पर सीधा आपको ऐड करना है पहले कंसाइनर एक्सपेंडिचर, कंसाइनर के खर्चे ऐड करेंगे, वो थे अपने 20,000। अब यहां पर लॉस इन ट्रांजिट तो है नहीं, लॉस कब हुआ कंसाइनी को मिलने के बाद, तो कंसाइनर के खर्चे भी, कंसाइनी के खर्चे भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो यहां ऐड करेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस, वो हो गए आपके 30,000। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहां पर, टोटल कॉस्ट वो आ जाएगी 6,50,000, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद टोटल खर्चा होने के बाद गोडाउन में लॉस हुआ है, इसलिए दोनों के बाद में निकलेगा। जो लॉस इन ट्रांजिट होता था वो कंसाइनर के खर्चे ही हुए होते थे, इसलिए वो यहां पर कैलकुलेट होता था बीच के अंदर, लेकिन ये एंड में होगा कैलकुलेट। तो यहां पे देखिए निकालेंगे अपन सबसे पहले लॉस इन गोडाउन, गोडाउन में लॉस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट इनटू यूनिट्स ऑफ लॉस इन गोडाउन। तो यहां पर टोटल कॉस्ट आई अपनी 6,50,000, टोटल यूनिट कितनी सेंड करी है ये रही 200 रिसीव करी कंसाइनी ने, और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स ऑफ लॉस इन गोडाउन, गोडाउन में कितना लॉस हुआ 20 यूनिट का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां आ जाएगा आपके सामने निकलकर लॉस इन गोडाउन, गोडाउन में कितना लॉस हुआ, तो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आ जाएगा 60। तो यहां पर टोटल कॉस्ट आ रही थी 6,50,000, जिसमें से लॉस हो गया 65,000 का, इसको कर देंगे लेस। लॉस इन ट्रांजिट यहां लेस होता था कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड करने के बाद, कंसाइनी की एक्सपेंडिचर ऐड करने से पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में लेस होता था लॉस इन ट्रांजिट, लेकिन लॉस इन गोडाउन दोनों के खर्चे ऐड कर, यहां पर लॉस इन गोडाउन आ गया आपका 65,000 रुपए है। तो अब आप 6,50,000 रुपए में से 65,000 लेस करेंगे तो आपके आ जाएंगे 5,85,000, 5,85,000। अब आपको ये लॉस इन गोडाउन आ गया, अब अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला लगाना है। यहां पर अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला होगा, इसको बोलेंगे नेट कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट ये है तो उसमें से अपन ने लॉस लेस कर दिया तो नेट कॉस्ट आ गई। तो यहां पर फॉर्मूला होगा नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस यूनिट्स ऑफ लॉस इन गोडाउन, जो गोडाउन में लॉस हुआ है उसकी यूनिट को लेस कर देंगे, जीडब्ल्यू मतलब लॉस इन गोडाउन, उसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो आपका अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं नेट कॉस्ट आ रही है अपने 5,85,000, 5,85,000 डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट का, वो है 200 माइनस करेंगे अपन यूनिट ऑफ लॉस इन गोडाउन, गोडाउन में कितना लॉस हुआ था 20 का, तो 20 यहां पर लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट आप निकाल सकते हैं ऐसे, टोटल गुड्स रिसीव किया था कंसाइनी ने 200, उसके बाद उसके गोडाउन में लॉस हो गया 20 का, तो उसके पास साइकिल बच गई 180, 150 उसने सेल कर दी, तो बिना बिकी साइकिल कितनी पड़ी है अनसोल्ड 30, तो उस 30 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 585 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहां पर आ जाएगा 97,500। तो यहां पर ये आपने तीन तरीके के लॉस निकालने सीख लिए। अब अनसोल्ड स्टॉक जो है वो कैसे दिखाते हैं आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक चीज और आप जान लीजिए, ये जितनी भी चाहे लॉस नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, लॉस इन ट्रांजिट हो, लॉस इन गोडाउन हो, सभी के केस में उसका इफेक्ट अनसोल्ड स्टॉक के अंदर जाता है और इससे निकलती है जो अपन लास्ट में फॉर्मूला लगा के अनसोल्ड स्टॉक निकालते थे वो उसकी कॉस्ट थी, लेकिन जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको कंसाइनर की बुक्स के अंदर दिखाने का तरीका जो है वो है उस कॉस्ट, उस अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट और उसकी मार्केट प्राइस।
इन दोनों में से जो कम होगा, जो वैल्यू इन दोनों में से कम आएगी, उसको कंसाइनर की बुक्स के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो इतनी देर तीनों फॉर्मूले, चाहे नॉर्मल लॉस हो, चाहे लॉस इन ट्रांजिट हो, चाहे लॉस इन गोडाउन हो, तीनों के केस में लास्ट में जो अनसोल्ड स्टॉक निकालते थे उससे ये निकल के आएगी कॉस्ट। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि चाहे नॉर्मल लॉस हो तो कैसे निकालता है उसका फॉर्मूला, एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला, एबनॉर्मल लॉस में लॉस इन ट्रांजिट और लॉस इन गोडाउन, तीनों के तीनों फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर समझा दिए हैं। इसके अलावा अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कंसाइनर की बुक्स के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको वो अगला वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।